इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ लाइंस मैं आपको सुनाना चाहूंगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। टीनेज या फिर ये कहें कि स्टूडेंट लाइफ, वो पल जब लोहा तपता है और सोने को आग लगती है, प्रोसेस में जो जितना तपेगा वो उतना चमकेगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, यानी कि कंफर्ट जोन और बुरी आदतें छोड़नी होगी, और उस प्रोसेस में ये वीडियो आपकी बहुत ही हेल्प करेगा, आपको एक अलग इंसान बनाएगा। 10 पॉइंट्स में आपको आज वो मिलने वाला है जो जिंदगी भर आपके काम आएगा। हम शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, खुद को आगे बढ़ने के लिए चुनौती दें और मुश्किल काम करें। अगर आप यंग हो तो एक चीज की आदत आप सबके अंदर होनी ही चाहिए कि अपनी सीमाओं को, अपने लिमिटेशन को परखना कि मेरे लिमिटेशन आखिरकार है क्या। ऐसे काम करना जो कि चुनौती भरे हो, मुश्किल हो, जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। जब आप सच में अपनी लिमिटेशन को परखोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि कोई लिमिटेशन है ही नहीं, आप अपनी लिमिटेशन के बियॉन्ड हो। जब आप नई नई चीजें ट्राई करोगे, मुश्किल काम करोगे, तो रिजल्ट पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, लेकिन दोनों ही रिजल्ट आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, एज अ पर्सन आपको ग्रो कराएंगे। आपकी लाइफ में सबसे बुरी चीज ये हो सकती है कि आप अपने ही तरीके में, अपने ही कंफर्ट जोन में स्टक हो जाओ, और जब एकदम से कुछ चैलेंजिंग आएगा, कुछ मुश्किल काम आएगा, आप डर जाओगे, आप सामना नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है कि इस एज में खुद को आगे बढ़ने के लिए चुनौती दें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और मुश्किल काम करें। सेकंड पॉइंट, असफल होने की चिंता ना करें और गलतियां करें। दी ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था, मैंने अपने करियर में 9000 से भी ज्यादा शॉट मिस किए, मैंने लगभग 300 गेम्स गंवाए, 26 बार मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं जीतने वाला शॉट खेलूंगा, लेकिन मैं चूक गया, मैं अपने जीवन में बार बार फेल हुआ, और यही कारण है कि आज मैं सफल हूँ। इस एज में ये उम्मीद रखना कि सब कुछ मेरे मुताबिक होगा, सब कुछ सही होगा, एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये कभी नहीं होगा। अभी आपकी स्टार्टिंग एज है, अभी आप कुछ करोगे तो मिस्टेक होगी ही होगी, फिर आप उन्हें इम्प्रूव करोगे, फिर आपका थोड़ा लेवल अप होगा, उसके बाद में चीज़ आपके मन मुताबिक होगी। अगर आपके आसपास कोई भी सक्सेसफुल हुआ है तो एक बार उससे बात करके देखना, एक बार उसके पास बैठना और पूछना उससे कि वो कैसे सफल हुआ है। डेफिनेटली ये बात आएगी ही आएगी कि वो जिंदगी में बार बार फेल हुआ, और फेल होना जरूरी था क्योंकि बिना उसके वो सीख नहीं सकता था, और सीखता नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ता। इसलिए फेल होने से डरो मत और गलतियां करो। थर्ड पॉइंट, अपने आप में निवेश करें, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। इस एज में कई लोग एंटरटेनमेंट और कई सारी ऐसी चीज़ों पर पैसा वेस्ट कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। इस एज में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो कि आप कर सकते हो वो है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। जब खुद पर इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो इसमें कभी भी कंजूसी ना करें। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स में, किसी भी स्किल को सीखने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो एक ऐसी स्किल है जिसमें लाखों करोड़ों इंडियंस मात खा रहे हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप इसी चीज पर काम करना स्टार्ट करें, और वो है फ्लुएंटली इंग्लिश न बोल पाना। इंग्लिश ना बोल पाना आपका कॉन्फिडेंस कम कर रही है, कई सारी अपॉर्चुनिटी आप अपने हाथ से गंवा देते हो सिर्फ इस एक स्किल की वजह से। हमें स्कूल में इंग्लिश को पढ़ना और लिखना तो सिखाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे स्कूल होते हैं जहां पर यह सिखाया जाता है कि इंग्लिश में बात कैसे करें, फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलें। और फ्लुएंट इंग्लिश बोलना तभी पॉसिबल है जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, और सबसे बेस्ट तरीका है कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने का कि आप नेटिव स्पीकर के साथ में कन्वर्सेशन करो। और एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ये सब कर सकते हो जिसका नाम है कैम्बली। कैम्बली की 1-on-1 क्लास के बारे में आप में से कई लोगों को शायद पहले से पता होगा, लेकिन कैम्बली ने अब अपनी ग्रुप क्लासेस भी लॉन्च कर दी है ताकि इंग्लिश की प्रैक्टिस करना अब और भी अफोर्डेबल हो जाए। ये एक इकलौता ऐसा इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश के नेटिव स्पीकर के साथ बात करके, यूके यूएसए जैसी जगहों के ट्यूटर से। इनके ग्रुप क्लासेस में एक ट्यूटर और आपकी ही तरह दो और स्टूडेंट होंगे जो कि ब्राजील, जापान और कोरिया जैसी कंट्री से होंगे, जो आप ही की तरह फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं। और हर क्लास में एक पर्टिकुलर टॉपिक पर कॉन्वर्सेशन होगी, जैसे कल्चर पर, टेक्नोलॉजी, न्यूज़, हॉबीज पर, ऐसे कुछ टॉपिक्स पर। तो ये उन लोगों के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है जो कि अपने जज होने और इंग्लिश न बोल पाने की शर्मिंदगी को दूर करना चाहते हैं, और साथ ही दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट करके उनसे बात करना चाहते हैं। अभी कैम्बली पर एक न्यू लॉन्च ऑफर चल रहा है विद अप टू 45% डिस्काउंट के साथ, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड DD999 यूज करते हो तो आपको मिलेगा 60% डिस्काउंट ग्रुप क्लासेस पर, जो कि होता है 999 रुपीज, और अभी वहां पर प्राइस लिस्टेड है 2378 रुपए, और ये ऑफर सिर्फ 1 month के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चेकआउट जरूर करें। फोर्थ पॉइंट, वर्क फॉर योर सेल्फ नॉट अदर। खुद के लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं, और दूसरों में आपके माता पिता भी आते हैं। काम चाहे जो भी हो, एंड में आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है वो मैटर करता है। आपका काम आपने चूज किया है या फिर आप पर थोपा गया है। दुनिया में हर इंसान को अपना काम खुद चूज करने का अधिकार है और उसे करना भी चाहिए। माँ बाप का काम सलाह देना है, चॉइस हमेशा आपकी होनी चाहिए। अपने लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। नंबर 5, आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं इस पर फोकस करो।
जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता मत करो। हर इंसान को ये चीज़ झेलनी पड़ती है कि कई सारी चीज़ें उसके साथ ऐसी होती है जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होती और वो प्रॉब्लम्स उसे बहुत परेशान करती है। जैसे आपकी फेवरेट टीम मैच हार गई, महंगाई बढ़ रही है, नेचुरल डिजास्टर आ गया, आपका बिता हुआ समय, दूसरे लोगों का आपके प्रति नजरिया, दूसरे लोगों के ओपिनियन, इनमें से कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है और ये सभी चीज़ आपको दुखी कर सकती है। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप इन पर फोकस करोगे। महंगाई बढ़ रही है तो क्या हुआ, फोकस करो खुद को इतना अमीर बनाने में कि महंगाई का असर आप पर हो ही ना। हमारी टीम मैच हार सकती है और बहुत बुरी तरह हार सकती है, इसे पहले से ही स्वीकार करो। आपका बीता हुआ समय आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका आने वाला टाइम पूरी तरह से आपके कंट्रोल में हो सकता है, इसलिए वहां फोकस करो। लाइफ में अभी आपके साथ में जो भी चीजें गलत हो रही है उसे नेचर की एक प्रोसेस मानकर स्वीकार करो और धन्यवाद करो। और जिस जिस चीज पर आपका कंट्रोल है अपनी पूरी जान लगा दो उन चीजों को बेहतर बनाने में। नंबर 6, नेगेटिव लोगों से जितना जल्दी हो सके छुटकारा पाओ। एक सबसे बड़ा एहसान जो आप अपने आप पर कर सकते हो, उन लोगों से दूर हो जाओ जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, आपको ट्रोल करते हैं, जिनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। नेगेटिविटी एक मेंटल डिजीज की तरह काम करती है जो आपको अंदर से खोखला कर देगी, और कई बार नेगेटिव लोग भी आपको अंदर से खोखला कर देंगे। भले ही आपको उन नेगेटिव लोगों से प्यार हो, लेकिन अगर वो आपकी केयर नहीं करते, सिर्फ दुख देते हैं, तो उनसे दूर होना ही बुद्धिमानी है। उन लोगों का साथ थाम लो जो आपकी एक्चुअल में केयर करते हैं, जिनकी लाइफ में कुछ गोल्स हैं, जो अपनी लाइफ को लेकर थोड़े सीरियस हैं। और दुर्जन से मध्यस्थ विभव, आपने एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, तीन बार देख लिया, बार बार यही सिद्ध होता है कि सामने वाला दुर्जन है, तो उससे कनेक्शन कट कर लो। पॉइंट नंबर 7, अगर कोई और इसे कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। जिंदगी में कभी ना कभी मुझे भी और आपको भी अपने आप पर डाउट आता ही होगा, जरूर आया होगा और आएगा भी। हमें अंदर से लगता है कि हम ये चीज़ कर भी पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। उस वक्त इंस्पिरेशन के लिए दूसरों को देखें। इस प्लेनेट पर अरबों लोग हैं और आपसे पहले भी कई सारे लोग वो कर चुके हैं जो आप करना चाहते हो। आपकी फील्ड में सक्सेसफुल होने का एक रास्ता है, वो रास्ता पहले से ही तय है, बस जरूरत है तो उस रास्ते को पहचानने की और उस पर विश्वास करके चलने की। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपकी ही कैटेगरी में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। उनको बारीकी से ऑब्जर्व करो, किस रास्ते पर चलकर ज्यादातर को सफलता मिली है, उस रास्ते को पहचानो और उस पर आगे बढ़ो। क्योंकि अगर कोई एक भी इंसान इस दुनिया में वो कर सकता है जो आप करना चाहते हो, तो आप भी उस काम को कर सकते हो। 8th पॉइंट है हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। अरस्तु ने एक बार कहा था कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए और जिंदगी में एक फुलफिलमेंट लाने के लिए आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट पर ध्यान देना होगा, हर चीज पर काम करना होगा। कोशिश करें अपनी हेल्थ, वेल्थ, प्यार और खुशियों पर भी थोड़ा ध्यान दें। और ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन हर चीज़ पर बराबर ध्यान देना ही पड़ेगा। पहले हो सकता है कि आप अपने बिजनेस पर एक तरफा पूरा तगड़ा फोकस डाल दो और उसमें सक्सेसफुल होने के बाद में आप थोड़ा फ्री टाइम निकाल कर बाकी चीज़ों पर ध्यान दो। अपनी हेल्थ को टाइम दो, माइंड की शांति के लिए टाइम दो, अपने प्यार को समय दो, ट्रेवल करो। सिर्फ पैसों के सहारे आप अच्छी जिंदगी नहीं जी पाओगे। लाइफ में एक फुलफिलमेंट लाने के लिए आपको हर एस्पेक्ट में सक्सेसफुल होना पड़ेगा, वरना पैसा तो बहुत होगा लेकिन आप अपने बेड से ही नहीं उठ पा रहे हो, एनर्जी नहीं अंदर, तो कुछ काम का नहीं हो पैसा। इसलिए इन चारों चीज़ों पर टाइम टू टाइम काम करो। 9th पॉइंट, सोलो ट्रेवल। ट्रेवल करना बेस्ट है इस एज में, आपका माइंड खुल जाएगा। आप देखोगे कि दुनिया में किस किस टाइप के लोग हैं, दुनिया में किसी किसी जगहें हैं, आपको बहुत से नए लोग मिलेंगे, बहुत सी नई नई चीज़ें पता चलेगी, आप ये जानोगे कि दुनिया कितनी इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी चीज़ की शायद आपको अपना मकसद मिल जाए जिसके लिए आप जन्मे हो। और लास्ट पॉइंट, इनकम के मल्टीपल सोर्स डेवलप करो। कई स्टूडेंट का टीनेज में ही स्कूल खत्म हो जाता है और हमें हमारे टीनेज में स्टूडेंट लाइफ में बताया नहीं जाता कि मल्टीपल सोर्स का कितना महत्व है। हमें बस ये सिखाते हैं कि सोचने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि आप स्कूल जाओ, नौकरी करो और फिर जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन रियलिटी यही है कि ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों के पास एक से ज़्यादा इनकम सोर्स होते ही होते हैं। जब आप अपने टीनेज में, 20s में होते हैं तो आपके पास में बहुत समय होता है, अभी से ही कुछ ना कुछ साइड हसल करना स्टार्ट कर दो। आप सीखोगे भी और कमाओगे भी। द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। मैं उम्मीद करूंगा कि ये 10 पॉइंट आपकी लाइफ में आपको बहुत काम आएंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। और अगर अभी तक आप इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।